तो सर आए हैं आपसे मिलने के लिए खास उज्जैन शहर से। पहली बार मिल रहे हैं और उसके बाद में कॉफी ने बिल्कुल नहीं काटा, तो ये क्या कारण है सर? जरा आप जल्दी से हमारे फॉलोअर्स को बताइए कि स्ट्रीट डॉग को भोजन खिलाने के 3 फायदे क्या हैं? पहले तो ये है जी सर कि आप अगर किसी को खाना खिलाते हैं जी सर तो आपको काटेगा नहीं। डॉग बाइट से अपने आप को बचाना है हाँ, तो आपको इनको खाना खिलाना है हाँ। दूसरा, इससे प्यार बढ़ता है। अच्छा। और समाज में कुत्तों के प्रति प्यार बढ़ेगा हाँ। तो समाज में जो है विषमता कम होगी। और दूसरा ये है कि इन जानवरों को प्यार करने वाला कोई मिल जाएगा। जी जी जी। और दयालु समाज की रचना हो जाएगी। दयालु समाज की रचना होगी। जी सर, अकेले रहते हैं तो मैं अकेला रहता हूँ हाँ। मुझे इनका सानिध्य प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त होता है, तो अकेलापन दूर होता है। अकेलापन दूर होता है और मैं अपने आप को सुरक्षित पाता हूँ। अच्छा, सेफ्टी अलग मिल जाती है, तो फायदे ही फायदे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा कितना खाना खिला देते हैं जो कि इतना फायदा मिल जाता है? देखिए, जितनी ईश्वर ने मेरे को औकात दी है जी सर, जितनी मेरे को पेंशन मिलती है हाँ। मैं उस हिसाब से अपने हिसाब से उनको पूरा खिलाता हूँ। सवेरे शाम दूध पेडिग्री वगैरह सब देता हूँ उनको। और मैंने दो कुत्ते पाल रखे हैं घर में, भारतीय। हाँ, भारतीय। अच्छा, गली के। अच्छा हाँ, दसबंदी करे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, तो ये उनको करवाया मैंने। आपने अपने पैसे से कराया? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर रोटी बनाने के लिए आप अकेले रहते हैं तो आप खुद बनाते हैं इनके लिए रोटियां? नहीं, अपने लिए खुद बनाता हूँ जी, लेकिन इनके लिए बाई रखी हुई है। क्या बोल रहे हैं आप? सचमुच रोटी वाली बाई रखी है? हाँ जी हाँ जी। स्ट्रीट डॉग को रोटी? बिल्कुल बिल्कुल, सवेरे शाम इनके लिए बाई। अभी भी मैं आया हूँ यहाँ इंदौर जी सर, तो बाई को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे के आया हूँ, आटा दे के आया हूँ, दूध के पैसे दे करके आया हूँ जी, कि सवेरे शाम इनको मिलता रहे। तो सर ये बताइए आपकी क्या उम्र है सर? मेरी 80 प्लस। 80 प्लस? यू डोंट लुक लाइक। यू लुक, इट्स गॉड्स ग्रेस। सर एट द एज ऑफ 80, व्हाट इज द message that you are going to give to the society, the young generation, street dog के लिए जो लोगों के मन में घृणा है? People should be merciful जी to the creation of God जी, but dogs in particular, for dogs in particular, because they are dependent on us actually, human okay. beings, so इन बिचारों का कौन देखेगा, कौन? क्योंकि देखिए, गायों को तो लोग इसलिए पालते हैं कि दूध देती है जी सर, लेकिन इनको इसलिए पालना जरूरी है कि आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपको ये काटे नहीं है, आपसे प्यार पाए, और इससे प्यार का विस्तार होता है। तो सर आप जैसे उज्जैन से हैं तो आप वहाँ पर जिन इन दो डॉग्स को आप खाना खिलाते हैं तो क्या आपके उज्जैन शहर में भी ये ताना सुनने को मिलता है कि इतनी दया आ रही है तो घर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये हाँ ऐसे ताने मिलते हैं, आप क्यों खिला रहे हैं इनको, दूसरी जगह अपने अपने घर जाके खिलाइए जी सर। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये जगह आपके बाप की नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी की है, अगर खिला रहा हूँ तो मैं अपने पैसे से खिला रहा हूँ, अगर तुमको दया आती है और आना भी चाहिए तो खिलाओ जी सर। सर आप डॉगिटाइजेशन पेज कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं 4-5 साल हो गए सर। आपको उस पेज से कुछ सीखने को मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, और आप सरीखे जो लोग इतने जन जागरण का काम कर रहे हैं ये विरले देखने को मिलता है। नहीं सर, हम नहीं, और हम सब क्योंकि आज मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ, इट शुड गेट मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड, क्योंकि अब आप जैसे लोग कहाँ मिलेंगे जो कि एक स्ट्रीट डॉग के लिए रोटी वाली बाई से रोटियाँ बनवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या है कि इट इज म्यूचुअल, आई पे हर 500 रुपीज अ मंथ फॉर दिस, सो दिस इज व्हाई द वर्ल्ड शुड बिकम अ म्यूचुअल एडमिरेशन ऑफ ईच अदर, बिकॉज यदि हम पेज चला रहे हैं तो आप भी तो एक रोटी वाली बाई को रख के स्ट्रीट डॉग को रोटियाँ खिला रहे हैं। देखिए सर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब लोग स्ट्रीट डॉग के नजदीक आ जाते हैं तो भाईचारा भी बढ़ता है। बिल्कुल। जैसे आपसे हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपसे मिलकर के ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आपसे जन्मों जन्मांतर से पहचान है। भाई ये तो देखिए जी, आत्मा आत्मा एक है, आत्मा आत्मा को पहचानती है, और ये विरले अगर कहाँ परिचय हो जाता है, किस एंगल पे परिचय होता है, दैट अपार्ट, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं, असंख्य आत्माएं हैं,
लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मिले हुए एक दूसरे से। तो ये यदि एक जैसी सोच 140 करोड़ लोगों की हो जाए और वो लड्डू के प्रेम के अंदर में वो मोतियाँ गुथ जाए, तो आप सोचिए कि भारत के अंदर में कितनी वापस से वो बोलते ना कि एकता, मिलनसार, भाईचारा, ये सब आ जाएगा। इस गुण की आजकल आज के देश में जी बहुत जरूरत है। अभी अमर्त्य सेन ने कहा है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि भारत जो है उसमें नैतिकता में गिराव आ रहा है, हाँ। तो नैतिकता उसमें प्यार भी सम्मिलित है। नैतिकता केवल नैतिकता शब्द से नहीं है, बिल्कुल प्यार जो उसका मूल जड़ है उसकी, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति विश्वास, ये उसकी जड़ है। तो उसको वापस लाने के लिए यदि हमें कोई कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यदि हम सिंपल सा एक स्ट्रीट डॉग के प्रति सभी नागरिकों को जोड़ देते हैं, तो नैतिकता लौट आ सकती है। बिल्कुल, ये बेसिक है। जी सर, ये बेसिक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप उज्जैन से इंदौर आए हैं और हमको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ईश्वर करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले और आप बहुत सारे लड्डू की खूब सारी सेवा करते रहे। जय हिंद। ईश्वर की जो इच्छा होगी बेटा जी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।